हेलो एवरीवन, देख आज हमने कल किए थे, कल कंजक्शंस कर रहे थे, आज हम उनको कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको आगे के और कुछ कंजक्शंस बताऊंगी, ठीक है। आप देखो, पहला कंजक्शन हम ले रहे हैं नाइदर और नॉर। नाइदर के साथ हमेशा क्या लगता है? नॉर। नाइदर का मतलब नहीं और नॉर उसके साथ लगता है, वो भी नहीं, नेगेटिव में जाता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ना ही मुझे चाय पसंद है ना ही कॉफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नाइदर गो टू स्लीप, ना ही ये करो ना ही सोने जाओ, और नॉर बी लेजी, और ना ही आलसी बनो, ठीक है। तो नाइदर के साथ आप क्या लगाओगे? हमेशा नॉर। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। नॉट ओनली का मतलब क्या होता है? सिर्फ। सिर्फ का मतलब कि जैसे कि हम सेंटेंस बोलते हैं, She is not only cute, वो सिर्फ cute ही नहीं है, वो cute ही नहीं है, प्यारी ही नहीं है, बल्कि क्या है? But also intelligent, तो दूसरी क्वालिटी उसकी क्या है साथ में? वो इंटेलिजेंट भी है। तो इसमें देखो, नोट करो कि दोनों क्वालिटीज क्या है? अच्छी बताई है। तो दोनों जब एक जैसी क्वालिटीज हो तो हम क्या कहेंगे? पहले not only, सिर्फ, वो ऐसी ही नहीं है। But also का मतलब होता है बल्कि, बल्कि वो क्या है? इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। तो नॉट ओनली इज फॉलोड बाय बट ऑल्सो। आगे देखो सेकेंड सेंटेंस, ही इज नॉट ओनली अ लायर, वो झूठा ही नहीं है बल्कि क्या है? बट ऑल्सो, बल्कि क्या है? एक डिसऑनेस्ट भी है, बेईमान भी है, ठीक है। तो इसमें भी दोनों लायर और डिसऑनेस्ट दोनों क्या है? एक जैसी नेगेटिव क्वालिटीज हैं। तो जब एक जैसी नेगेटिव या पॉजिटिव क्वालिटीज हों तो पहले क्या लगेगा? नॉट ओनली, और फिर क्या लगता है? बट ऑल्सो। ऐसे ही बोलते ना आप हिंदी में, सिर्फ ये ही नहीं है बल्कि ये भी है, तो वही है नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, आगे अगली कंजक्शन लेते हैं हार्डली। हार्डली का मतलब ये होता है मुश्किल से, हार्डली। हार्डली अभी ये काम हुआ ही था, इसका मतलब होता है जैसे मुश्किल से ये काम हुआ ही था, हार्डली बस अभी हुआ ही था जैसे। तो उसके बाद क्या लगता है? देखो, हार्डली के बाद इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन। हार्डली के बाद हमेशा क्या लगता है? व्हेन लगता है, ठीक है। अब कोई सेंटेंसेस होती हैं जिसमें लिखा होता है एरर फाइंड करो, तो हार्डली के बाद वो देन डाल देते हैं, तो आपको क्या करना है? देन को हटा के क्या लिखना है? व्हेन, क्योंकि हार्डली के बाद व्हेन आता है। अब एग्जाम्पल देखो आप इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल, हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, अभी उसने अपना काम खत्म ही किया था। When his friend came, जब उसका दोस्त आ गया, ठीक है। और एक बात और, hardly, scarcely, इन वर्ड्स के बाद क्या लगता है? Had लगता है, ठीक है। Hardly had, ओके। अगर ऐसे लिखा हो कहीं पर hardly he had, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना होता है? Hardly had। Hardly के बाद हमेशा क्या आएगा? Had। सेकेंड सेंटेंस देखो, Hardly had I reached the school when the school bell rang। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, तभी क्या हो गई? तभी स्कूल की बेल बज गई। तो hardly के बाद क्या है? Had। Hardly is followed by had and when। Hardly के बाद एक साथ में क्या आता है इसके बाद? When। When कब का मतलब? When the school bell rang, तभी क्या बज गई? स्कूल की बेल बज गई, ठीक है। अब ऐसे साथ साथ आपको एरर्स की गलती ही बता रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या एरर सेंटेंसेस होते हैं, उनमें क्या एरर आ जा देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी क्लासेस के लिए भी है और बड़े क्लासेस के लिए भी है, 9th-10th वालों के लिए भी है, कि ये समझने के लिए कि सिंटैक्स एरर आते हैं तो आपको क्या देखना है। ये 11th-12th में ये सब में यही फॉलो होता है, ओके। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं अगली कंजक्शन, वो है अनलेस की। अनलेस में क्या मतलब होता है? अनलेस आता है कंडीशन के लिए, जैसे कोई कंडीशन है कि आप अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, तो कंडीशन दे रखी हो तो लगता है अनलेस। जैसे एग्जांपल देखो, अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क, जब तक तुम अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते, यू कैनॉट गो होम, तो तुम अपने घर नहीं जा सकते। तो टीचर्स जैसे डांटती हैं तो बोलती है ना, अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क, तो कंडीशन दे दी कि जब तक आपका काम खत्म नहीं होगा, यू कैनॉट गो होम, तो तुम घर नहीं जा सकते। तो अनलेस इज फॉलोड, अनलेस इज ऑलवेज देयर विद कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन ऑल्दो। ऑल्दो भी क्या होता है? ऑल्दो, ऑल्दो हिज पेरेंट्स, एग्जांपल, ऑल्दो हिज पेरेंट्स आर रिच,
उसके पेरेंट्स क्या है, अमीर है. ऑल दो में क्या लग रहा है, अभी कोई कंडीशन होती है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ऑल दो से. ऑल दो हिज पेरेंट्स आर रिच, उसके पेरेंट्स तो अमीर हैं, दे आर माइजरली, पर वो क्या है, बड़े जैसे कि क्या है, कंजूस है. माइजर कौन होता है, कंजूस होता है, तो दे आर माइजरली, कंजूस ही होता है. तो अब उनकी क्वालिटी क्या है, एक तरफ तो रिच है अमीर है, मगर क्या है ऑपोजिट क्वालिटी आ गई माइजरली. तो ऑल दो का क्या मतलब हुआ कि जब दो ऑपोजिट क्वालिटीज आए तो हम कौन सा लगाते हैं, ऑल दो, और कंडीशन लगा दें कि ऑल दो तो वो तो अमीर है मगर क्या है वो माइजरली है, ठीक है ना, कंजूस है. नेक्स्ट देखो अगली कंजक्शन है अंटिल. अंटिल मतलब टाइम के लिए आएगा. अंटिल का मतलब क्या होता है, टाइम के लिए आता है. जैसे अनलेस होता है कंडीशन के लिए, ऐसे ही अंटिल होता है टाइम के लिए. अंटिल एग्जांपल देखो, अंटिल द बेल रिंग्स, जब तक बेल नहीं बजती, स्टे इन क्लास, तो क्लास में ही रहो. तो ये क्या है, हमारी टाइम की कंडीशन हो गई ना, कि जब तक बेल नहीं बजती, तो अंटिल द बेल रिंग्स स्टे इन क्लास, तब तक ही क्लास में रहो. नेक्स्ट देखो अगली कंजक्शन आती है हमारी देयरफॉर, ठीक है. देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए. आपको मैंने पहले कराई थी बिकॉज, अब कर रहे हैं देयरफॉर, इसका मतलब है इसलिए. एग्जाम्पल में जब भी इसलिए हम कब कहते हैं, कि मैं स्कूल नहीं गया तो हम कहते हैं ना क्योंकि मैं बीमार था. मगर हम इसका उल्टा अगर ले लें, इसका अगर हम उल्टा ले लें कि मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, तो तब क्या लगेगा आपका, देयरफॉर उल्टा चल पड़े ना, तो ये बिकॉज के ऑपोजिट चल पड़ा. देखो पहला एग्जाम्पल, He is unwell. वो क्या है, unwell है, बीमार है. तो पहले क्या बता रहे हो आप, उसका कारण बता रहे हो. जब आप रीज़न पहले बताओ तो आप therefore क्या लगोगे, बाद में लगाओगे ना. He is unwell. वो बीमार है. therefore लगाना इसलिए. He cannot go to school. वो स्कूल नहीं जा सकता. तो क्या हुआ, पहले हमने रीज़न बता दिया तो क्या लगेगा, therefore. और हम जब बताएंगे, पहले हम बात बताएंगे कि he cannot go to school, फिर हम कारण बता रहे हैं, तो तब लगता है बिकॉज. अब देखो इसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज डाली है आपके लिए कंजक्शंस के ऊपर, और इनके आंसर्स नीचे दे रखे हैं मैंने आपको, तो ये आप अपने आप ट्राई कीजिएगा. मैं आपको बाद में बताती हूँ इसके बाद. आप पहले करते हैं एरर्स, ठीक है. अब ये एरर्स इन कंजक्शंस में जो मैंने लिखे हैं सेंटेंसेस, ये कॉम्पिटेटिव लेवल पर आते हैं, और 9, 10, 11, 12 इन क्लासेस के अंदर भी ये सेंटेंसेस आते हैं. जैसे उसके अंदर एक पैराग्राफ दे रखा होता है और आपको बताना होता है कि सेंटेंस में कहाँ गलती है, तो अगर आप बेसिक पता होगा आपको, तो आपकी ये गलती कभी आप एकदम फटाफट से ढूंढ लोगे गलतियाँ, ठीक है ना. जैसे मैंने आपको बताया कि हार्डली इज फॉलोड बाय व्हेन, स्केर्सली के बाद हमेशा व्हेन, देन नहीं लगता, ठीक है ना. तो ये सब ऐसे आते हैं एरर्स. तो पहला एरर लेते हैं, सेंटेंस देखते हैं. ये इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल्स एंड फॉर ऑल द 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट्स. पहला सेंटेंस लिखते हैं, द पीरियड बिटवीन 2000 टू 2001 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट. अब देखो आपको इसमें कुछ लगेगा कि कोई गलती नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा क्या एरर है. तो देखो एरर बहुत ध्यान से देखने वाली है इसमें. द पीरियड बिटवीन, जब बिटवीन लिखा होता है तो आप क्या करते, क्या करोगे, उसके अंदर टू नहीं लगता. बिटवीन के बाद जब ऐसा टाइम दे रखा होता है तो टू नहीं लगाते हैं, क्या लगाओगे आप हमेशा, एंड. तो सेंटेंस क्या बनेगा, द पीरियड बिटवीन 2000 एंड 2001 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट. तो ये आ गई हमारी एरर, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वॉज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक, ठीक है. आप देखो इसमें क्या एरर है, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस. द सेम जब लिखा होगा तो उसके बाद हमेशा क्या लगता है, वो नहीं लगेगा, क्या लगेगा, दैट. द सेम इज ऑलवेज फॉलोड बाय दैट, ठीक है, दैट लगता है. और एक बात और, जगह के लिए जो है हम हु नहीं लगाते, ठीक है ना, जगह के लिए हम हु नहीं लगाते. नेक्स्ट देखो थर्ड सेंटेंस, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स, इसलिए उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. आप देखो आपको लग रहा है इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है
देयरफॉर इसलिए ही गेट्स गुड मार्क्स, इसलिए उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो क्या गलती है? ये बात की गलती है कि बिकॉज के बाद कभी भी देयरफॉर नहीं लगता, बिकॉज इज नॉट फॉलोड बाय देयरफॉर, बिकॉज के बाद देयरफॉर कभी नहीं लगता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, कीप हिम एट द आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपीट। ठीक है, आप देखो इसमें वर्ड आया है लेस्ट, कीप हिम एट द आर्म्स लेंथ, उसको आर्म्स लेंथ पर रखो, लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट, नहीं तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखो उसको पास रखो, आर्म लेंथ का मतलब। तो लेस्ट आ गया, आप देखो लेस्ट की बात ये है कि लेस्ट के बाद कभी भी मे नहीं लगता, क्या लगता है लेस्ट के बाद? हमेशा शुड, लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो अगला सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस देखो, स्केयर्सली वी हैड रीच्ड द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो देखो अभी मैंने आपको पहले बताया था, अभी हमने एक सेंटेंस कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हार्डली, स्केयर्सली, जब ये वर्ड्स आते हैं तो इनके पास सीधा क्या लगता है? हैड लगता है। ठीक है ना, अगर ऐसे लिखा वी हैड तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, हैड वी लिखा जाता है। ठीक है, स्केयर्सली हैड वी, ठीक है, स्केयर्सली हैड वी रीच द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सिक्स्थ, अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अब देखो लिखा है अनलेस, अनलेस के बाद आप जो है नॉट नहीं लगाओगे, अनलेस के बाद क्या लगता है? नॉट नहीं लगता। ठीक है, अनलेस के बाद क्या लगाएंगे हम? सेंटेंस क्या बन जाएगा? अनलेस यू डू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स होगा, नॉट नहीं लगता। ठीक है, अनलेस के बाद नॉट नहीं लगेगा। तो ये आगे हमारे कुछ एरर्स जो हम कर आते हैं कंजक्शन के उसमें। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको अपने कंपटीशन लेवल पर और जो है 9, 10, 11, 12 के लेवल्स पर आपको क्लियरली समझ में आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।